हम आपकी बातों को रखना चाहेंगे। मंच पर केंद्र कमेटी उपस्थित है, उनको मैं सभी को एक साथ अपना चरण स्पष्ट करते हैं और इस तमाम उपस्थित सभी को प्रणाम करते हैं। साथियों, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपनी बातों को मंच पर रखने के लिए। इसके लिए हम तमाम तहे अभिनेताओं के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथियों, सिर्फ सवाल आज वर्तमान में रेल में रोजगार का नहीं है, रेल को बचाने के लिए भी लड़ाई है। और आज इस मंच से कहते हैं, रेल हमारी और आपका है, न किसी के बाप का है। जिस तरीके से केंद्र सरकार इसको दोहरी नीति करके भेजते हुए आ रहे हैं, इसकी भी लड़ाई आम जनता को सपोर्ट कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। साथियों, एक कहीं ना कहीं मानसिकता एक ट्रेंडिंग है कि रेल की लड़ाई सिर्फ रेल कर्मचारी और ट्रेड यूनियन लड़ाई लड़ेगी और बहुत सरकार को पीछे हटाने में कामयाब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हर एक भारतीय जनता का अधिकार है रेल में, और रेल को बचाने से हर जनता को इस लड़ाई में सपोर्ट करना यह तो अधिकार होनी चाहिए। साथियों, और रेल को बचाना भी है। अगर रेल बचेगा तो हर युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि रेलवे एक ऐसी संस्था है जो सबसे अधिक रोजगार का नियुक्ता देने का अधिकार रखती थी। साथियों, लेकिन आज केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से इसको प्राइवेटाइजेशन करते हुए आ रहा है, जिसके कारण से आज रोजगार से युवा वर्ग वंचित होते जा रहा है। साथियों, आपको समझना होगा कि आपको बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। आपका सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है सरकार का प्राइवेटाइजेशन है। साथियों, इसलिए जब जब ट्रेड यूनियन किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ की लड़ाई लड़ेगा, तमाम हम और साथी से देश में अपील करेंगे, उस लड़ाई में आप पीछे भी पंक्ति पर खड़ा होकर के केंद्र सरकार का विरोध में वहां खड़ा होने का कार्य करिएगा। साथियों, बात रहा 35 का, तो आज हम कह देना चाहते हैं, जो भी रेल के अंदर में रेल 35 का 100% का रोजगार की बात करेगा, वो रेल 35 वो ट्रेड यूनियन का हाथ मजबूत का कार्य करेगा। और हम मंच पर कहते हैं कि अगर आज आरएससी के अंदर में पहले रेल 35 छात्रों को ट्रेनिंग के बाद 100% का रोजगार की गारंटी होता था, फिर केंद्र सरकार ने एक धोखाधड़ी के कारण से 20% का आरएससी को रिजर्वेशन दिया, फिर भी हम लोग